इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अयोध्या राममय हो चुकी है। भव्य दिव्य अयोध्या की एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। इंडिया न्यूज की टीम भी पहुंची है और वहां जो जमावड़ा अभी सितारों का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, योगी भी हैं, साथ ही साथ बड़े नेता हैं और अभिनेताओं के पहुंचने का सिलसिला हम देख रहे हैं। और वो जो दिव्य भव्य राम मंदिर की तस्वीरें हैं वो लगातार अलग अलग रूप में सामने आ रही हैं। कभी लाइटों से सजा हुआ राम मंदिर, कभी फूलों से ढका हुआ पूरी तरह से सजावट के साथ राम मंदिर, ये अलग अलग तस्वीरें बड़ी अद्भुत हैं, अलौकिक हैं। और जो मेरी डिजिटल टीम है वो इन तस्वीरों को लगातार मॉनिटर कर रही है और आप तक पहुंचा रही है। तो मैं जान लेती हूं कि कौन कौन से खास मेहमान पहुंचे हैं। नेहा, अभी तक कौन कौन पहुंचे? अभी तक अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन और जो हमारे कॉमनवेल्थ जो प्लेयर हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचे और ये सारे ही इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचे। अच्छा, जैकी श्रॉफ कुछ दिन पहले अभी मंदिर में साफ सफाई करते हुए नजर आए थे, दो दिन पहले वो तस्वीर सामने आई थी। जैकी श्रॉफ भी पहुंच गए हैं, अमिताभ अभिषेक बच्चन भी पहुंच गए हैं। रणवीर कपूर का अंदाज आपको बड़ा पसंद आएगा, रणवीर कुर्ता धोती में है, आलिया ने साड़ी पहनी हुई है, वो भी पहुँच रहे हैं। कटरीना और विकी कौशल भी पहुँचे हैं। शिखा, जब ये सितारे पहुँच रहे हैं अयोध्या की रौनक में चार चांद लग रहे हैं? बिल्कुल लग रहे हैं मैम। अभी तो अभी जस्ट मोदी जी पहुंचे हमें खबर मिली है, वहाँ पे नीता अंबानी भी आ रही है, मुकेश अंबानी पहुंच चुके हैं वहाँ पे और भी अजय देवगन के साथ जैकी श्रॉफ आए हैं। एयरपोर्ट का जो लुक है ना पूरी तरह से रंगीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, मतलब सब राममय हो चुके हैं। सब राममय हो गए हैं और जानते हैं राममय आज इंडिया न्यूज़ का ये पूरा न्यूज़ रूम भी हो गया है। आपको राममय इसलिए नज़र आएगा क्योंकि इंडियन अटायर में यहाँ पर आपको मेल भी दिखेंगे, फीमेल भी दिखेंगे। राम जी का स्वागत आज कैसे करेंगे? मंदिरों में जाके पूजा वूजा करके, अभी तो फिलहाल हम वीडियोस वगैरह में देख रहे हैं कि अयोध्या में इस टाइम क्या क्या चल रहा है, तो हम अभी यहीं से बैठ के दर्शन कर पा रहे हैं। यानी पहले ऑफिस में काम करना है, यहाँ से दर्शन करने और फिर अपने घर के पास वाले मंदिरों में जाना है जहाँ पर साज सज्जा की तैयारी है। मालिनी जी आ रही है, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो नृत्य भी करने वाली हैं। बिल्कुल, और बड़ी सुंदर तरीके से वो अपनी प्रस्तुति देती हैं, तो पूरी तरह से फुल रेडी होकर हेमा मालिनी डांस करेंगी। आप भी फॉलो करेंगी? बिल्कुल करूंगी मैम, मैं तो बहुत इंटरेस्ट से देखने वाली हूँ। और माधुरी दीक्षित भी आ रही है, वो भी पूरी इंडियन अटायर में आ रही है, अपने हस्बैंड के साथ आ रही है, उनसे भी हम एक्सपेक्ट करेंगे शायद वो भी कुछ यहाँ पे स्पेशल करें। यानी एक एक तस्वीर जो डिजिटल टीम आप तक पहुंचा रही है वो तो खास है ही, लेकिन खास न्यूज़ रूम का माहौल भी है। राम जी के स्वागत में आपने क्या तैयारी की शिफ्ट खत्म होने के बाद? शिफ्ट खत्म होने के बाद मैंने सोचा है कि मैं मंदिर जाऊंगी और मतलब फूल वूल अच्छे से जोत वोत लेकर अपने घर में, तो मैंने सच बताऊं तो एकदम जैसे माहौल राम, जैसे अयोध्या में राम मंदिर सजे हैं उसी तरह मेरी मंदिर भी फूल और मालाओं से इतनी अच्छे से सजा रखी है, हमने लाइटिंग शाइटिंग कर रखी है और हमने राम की मूर्ति मतलब सीता जी के साथ लेके वहाँ पे स्थापित किया, उसकी पूजा और अर्चना मतलब अर्चना करेंगे शाम को, ये तैयारी है। ये वो युवा हैं जो पार्टी सुबह तक चलने की या वोडका के गानों पर नाचते थिरकते नजर आते थे, लेकिन आज राम भक्ति में, और ये तो पूरी तरह से राम भक्ति में है। मोनीश, वाह, कुर्ता बड़ा अच्छा है, टीका भी लगाया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। कैसे तैयारी है आज राम जी के आने की? बहुत ज़्यादा तैयारी है, आप सबको देख रहे हो, सब सच सवर के आए हुए और मैं तो कुछ ज़्यादा ही दिख रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मैम, मैं तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ। मोदी जी भी पहुँच गए हैं एयरपोर्ट पे और कुछ टाइम में वो भी पहुँच जाएंगे, तो अब देखो कितनी देर में इनॉग्रेशन होता है, तो मज़ा आने वाला है। और देखिए एक बार ब्रेकिंग दिखा दीजिए जो अभी की ब्रेकिंग है, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच गए हैं। ये अयोध्या से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, पीएम मोदी पहुँच गए हैं। जब तक ये वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लगता है, तब तक हो सकता है कि मोदी मंदिर में पहुँच जाएँ और वहाँ पर पूजा अर्चना भी शुरू कर दें, क्योंकि राम जी के स्वागत की तैयारी है। राम पधारो, मेरे राम आएंगे, अब तो राम आ गए हैं, इस तरह के सुर भी सुनाई देंगे। बड़े खूबसूरत आज आप सभी लग रहे हैं जो तैयार होकर खास तौर पर इस मौके के लिए आए हैं। जी मैम, आप भी लग रही हैं, और इतना मतलब 500 साल का इंतज़ार जो अब ख़त्म हुआ है, तो सब एक खुशी का माहौल है, सब खुश हैं और सज धज के आए हुए हैं आज ऑफिस। भले ही काम करना है पर सब बहुत सज धज के, और एक अलग ही जोश है आज सबके अंदर, और ऐसा जोश है कि यहाँ से वहाँ भागते हुए लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि काम भी करना है। हर एक फुटेज आप तक सबसे पहले पहुँचाना है, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचाना है। और न्यूज़ रूम में कुछ मेरे सहयोगी हैं और पीले कुर्ते में मुझे रविंद्र नज़र आ गए हैं जो आज राम जी के स्वागत के लिए खास तैयारी करके आए हैं। राम जी का आज स्वागत हो रहा है, अब तो बस चंद घड़ियां बाकी हैं, आपने स्वागत की तैयारी कैसे की? वैसे तैयारी मुझे दिख रही है कपड़ों से। देखिए तैयारी तो पूरी है और अब से ही नहीं बल्कि उसी दिन से है जिस दिन ये फैसला आया था, और आज वो शुभ घड़ी है और
इस शुभ घड़ी का सभी को इंतजार है, मुझे भी बेसब्री से। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, आपने अंगना सजा लिया? हाँ लगभग सजा ही लिया है, क्योंकि सुबह ऑफिस आ गए, ऑफिस के बाद तो उस आंगन का पता नहीं, लेकिन हाँ देश दुनिया का आंगन जरूर सज गया है, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वो आज 12:30 बजे के बाद वो हमारे भी आंगन आ जाएंगे, हमारे हृदय में बसने वाले, हमारे रग रग में बसने वाले राम सारी दुनिया को ना सिर्फ आशीर्वाद देंगे, बल्कि इस मंगल कामना के साथ हम भी ये कामना करेंगे कि इस पूरे विश्व में शांति रहे और राम राज्य स्थापित हो। सबको साथ लेकर राम चलते हैं। और राम जी का आशीर्वाद कैसे बना रहे, क्या क्या मांगेंगे? आज प्रभु राम से बस इतना ही कहूँगा कि वो आए हैं सभी देशवासियों के लिए एक उत्सव, एक त्यौहार, और एक लोग अपने घर में, पहले जब राम मंदिर बनने का विचार आया था तो ये कहा गया था कि 5 दिए अपने घरों में जलाना है, लेकिन आज एक वो दिन है जिस दिन में आज दीपोत्सव मनाया जाएगा, जितना कि दिवाली पे कम धूमधाम हुई होगी जितना कि आज होगी। आज चूँकि 10 लाख दीपक अयोध्या में जलाने की तैयारी है, और वहाँ पर जो राम भक्त पहुँचे हुए हैं वो बहुत से राम भक्त जय श्री राम जय सिया राम के साथ साथ हैप्पी दिवाली भी कहते हुए नजर आए थे। संदीप, चूंकि आप सुबह से ऑफिस में आ गए थे, राम जी तो बस आने वाले हैं, तैयारी आपके घर में क्या है? बिल्कुल तैयारी पूरे भारत में ही नहीं दुनिया भर में है तैयारी, सब लोग जश्न में डूबे हुए हैं। ऑफिस में देख सकती हैं आप कितनी खूबसूरत लग रही है भारतीय परिधान में आज, और बाकी लोग भी जच रहे हैं। आप चूक गए लेकिन भारतीय परिधान, एक्चुअली मुझे सुबह सुबह आना पड़ता है बाइक से, तो इसलिए ये हुलिया धारण करना पड़ता है, जैकेट वगैरह मजबूरी है, लेकिन घर में भी पूरी तैयारी है। लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर में रहेंगे, शाम में दिया जलाएंगे, और मोदी जी ने जैसा कहा कि आज दीपावली मनानी है तो हम सब भी पूरे फैमिली के साथ दीपावली मनाएंगे, और ऑफिस में भी बिल्कुल वैसा ही माहौल है जैसा अयोध्या में है। अयोध्या राम में है। रुचि, आप भी बिल्कुल राम में हैं और बड़ी खूबसूरत आज आप तैयार होकर आई हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, इतना बड़ा उत्सव है तो तैयार होके तो आने ही, हमारे रामलला इतने सालों बाद आ रहे हैं तो फिर हमें भी अच्छे से बन के आना है। हाँ। अच्छा, मैं फीमेल से खासतौर पर एक्सपेक्ट करूँगी कोई राम भजन हो जाए। हाँ, अभी तो मेरा गला खराब है वैसे, लेकिन राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी मैं, बस एक ही राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दानिश, आपके राम, मेरे राम, सबके राम, राम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल, इस वक्त पूरा देश, पूरी दुनिया में हर वक्त हर जगह राममय हो चला है, चाहे वो न्यूयॉर्क हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, साथ साथ पूरे देश में जिस तरीके से राममय की धुन में लोग मस्त है, मगन नजर आ रहे हैं, क्या फिल्मी सितारे, क्या उद्योगपति, क्या खेल जगत, क्या हर हस्ती इस वक्त राम भक्ति के भजन में लीन है, मस्त है, मगन है, उत्साह से, उमंग से, जोश और खरोश में दिख रहे हैं। इस वक्त ये नज़ारा बिल्कुल अतुलनीय है, ऐसा ऐतिहासिक पल शायद दसियों में, क्या सदियों में कहा जाए, क्या कई हज़ार वर्षों में ऐसा पल आता है, और शायद जिस पल का राम भक्तों को बेसब्री से इंतज़ार था वो पल बस कुछ मिनट के बाद आ ही जाएगा। पीएम मोदी अयोध्या पहुंच गए हैं और ये वो टीम है जो एक एक मिनट का अपडेट आप तक पहुंचाती है और बड़ी जिम्मेदारियां भी निभाती है, इसीलिए मैं जल्दी से सबका रिएक्शन ले लेती हूं। दीक्षा, आप भी ऑफिस में हैं, राम भी आने वाले हैं, पीएम मोदी भी पहुंच गए हैं, ये तो सबकी खुशी के लिए बात है, और आज तो बहुत भगवा मैं हो गया है और सब इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भजन गाएंगी क्या? बहुत चेहरा आपका खिला हुआ है। नहीं, भजन में क्या गाऊँ। जय श्री राम, जय श्री राम और जय सिया राम से गूंजा हुआ ये पूरा न्यूज़ रूम। और आकांक्षा चूँकि बिल्कुल टीवी स्क्रीन के बराबर में बैठती हैं, और जितने भी राम भजन इंडिया न्यूज़ के चैनल पर जाते हैं, सबसे ज़्यादा जो करीब से सुनती हैं वो आकांक्षा सुनती है। तो आकांक्षा, मैं कहूँगी अपनी ड्यूटी भी आप करती रहें, लेकिन कोई राम भजन सुनाएंगी? देखिए, इस समय तो सिर्फ एक ही धुन है, वो है राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हालांकि इतना अच्छा गाती नहीं हूँ, बट ये है कि राम का नाम है तो राम सिया राम से बड़ा इस समय कुछ नहीं है। राम जी तक भाव पहुँच जाते हैं, ये भक्ति भाव होने ज़रूरी है। राहुल, राम जी आने वाले हैं? बिल्कुल मैम, आने वाले हैं, अब मोदी जी पहुँच गए हैं और इनॉग्रेशन की तैयारी जल्द से जल्द है। आपको भी जय श्री राम।
इंडिया न्यूज़ के साथ जो जो जुड़े हैं भक्त, ख़ास तौर पर जो राम भक्त हैं, उनके चेहरे ज़रूर खुल जाएंगे इन तस्वीरों को देखकर। और यहाँ ये इंडिया न्यूज़ की तैयारी आप देख लीजिए, इंडिया न्यूज़ का स्टूडियो इस वक्त पूरी तरह से राममय हो चुका है और यहाँ भजन चल रहे हैं, तबला वादन हो रहा है, पियानो बज रहा है और यहाँ राम भक्ति के अलग अलग रंग आपको स्टूडियो में अलग अलग कैमरे के नज़र से दिख रहे हैं, जिसमें राम भक्ति के ऐसा लग रहा है कि कोई कॉम्पिटिशन चल रहा है। यहाँ पर भगवान रामलला के आपको अलग अलग रूप दिखेंगे। देखिए कितने सारे मेहमान यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो से यानी कि अयोध्या से सीधा रामनगरी से आप तक हर रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ सबसे पहले पहुंचा रहा है। अभी तक का ये अपडेट था, आगे फिर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।